बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्या, क्या सचमुच आलोक मौर्या से माफी मांग ली है? क्या सच में ज्योति मौर्या सुधर गई? ज्योति मौर्या को लेकर जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है कि ज्योति मौर्या ठीक हो गई, ज्योति मौर्या आलोक मौर्या के पैरों पे झुकने को तैयार हो गई है, तो सच्चाई क्या है? आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों, और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी सच का पर्दाफाश करते हैं, और आज के इस वीडियो में आपको हम वो सच बताते हैं जिस सच के बारे में आपके सामने कोई चर्चा तक नहीं करता। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ज्योति मौर्या के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा दोस्तों कि ज्योति मौर्या, जिसने अपने पति आलोक मौर्या के साथ धोखेबाजी कर दी, अपने पति को धोखा देकर दूसरे के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दी। और आपको बता दूं, मनीष दुबे और ज्योति मौर्या के प्रेम कहानी का चर्चा पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब तक दोस्तों आलोक मौर्या को इंसाफ नहीं मिला है। आपको बता दूं, जब से ज्योति मौर्या के काले कारनामों के बारे में आलोक मौर्या को पता चला, तब से आलोक मौर्या बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए। और बताया जाता है जब आलोक मौर्या को बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब जाकर इन्होंने मीडिया वालों के सामने जाकर अपनी पत्नी की काली सच्चाई को सबके सामने लाया। आपको बता दूं, आलोक मौर्या इस वक्त परेशान हैं, ये बात सच है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये आता है कि क्या ज्योति मौर्या भी ठीक हो गई? क्या ज्योति मौर्या सुधर गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब आपको हम आगे देंगे, इससे पहले आपको हम बताते हैं कि मामला क्या क्या हुआ। आपको बता दूं दोस्तों, 11 जुलाई को अदालत में सुनवाई होनी थी। 11 जुलाई को ज्योति मौर्या अदालत नहीं पहुंची। ज्योति मौर्या जब प्रयागराज कोर्ट नहीं पहुंची, तो चारों तरफ से लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ज्योति मौर्या आखिरकार अदालत आती क्यों नहीं है, क्यों कोर्ट नहीं आना चाहती है ज्योति मौर्या। वहीं आपको बता दूं, 11 जुलाई को आलोक मौर्या अदालत गए थे, तो आलोक मौर्या ने अदालत में हाजिरी लगाया, लेकिन ज्योति मौर्या नहीं लगाई। तो वहीं पर लोगों ने कहा कि ज्योति मौर्या गलत है, तब तो वो अदालत नहीं आ रही है। तो ज्योति मौर्या का कहना ये हुआ कि मुझे छुट्टी नहीं मिल पाया। तो चलो दोस्तों, ठीक है, उस वक्त ज्योति मौर्या को छुट्टी नहीं मिला। अदालत ने अगली तारीख दी 18 अगस्त को, और आपको बता दूं 18 अगस्त को भी ज्योति मौर्या अदालत नहीं पहुंची। लेकिन हाँ, आपको ये भी बता दूं कि उस दिन आलोक मौर्या भी अदालत नहीं पहुंचे, क्योंकि बताया जाता है दोस्तों उस दिन न्यायिक अधिकारी जो कि ट्रेनिंग पर गए हुए थे, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों बाद में बहुत सारे मीडिया वालों ने सवाल करा कि आखिरकार ज्योति मौर्या 18 अगस्त को क्यों नहीं पहुंची, चाहे वहां पर न्यायिक अधिकारी रहे या फिर ना रहे, ज्योति मौर्या का तो फर्ज था कि वो अदालत पहुंच जाती, अदालत भले ही बंद क्यों ना रहता। तो आपको बता दूं, ज्योति मौर्या को लेकर लोग फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि ज्योति मौर्या दो दो बार अदालत में एब्सेंट हुई है, वहीं दो बार में एक बार आलोक मौर्या तो आ चुके हैं, तो आलोक मौर्या भी इस बार एब्सेंट थे, ज्योति मौर्या भी एब्सेंट थी। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, इस बीच ज्योति मौर्या जब से माफीनामा का अर्जी लगवाई है, जब से ज्योति मौर्या के वकील ने माफीनामा का अर्जी लगाया, तब से लोगों के मन में सवाल ये चल रहा है कि ज्योति मौर्या जो कि आलोक मौर्या से क्या माफी मांग रही है, क्या सचमुच ज्योति मौर्या सुधर गई है? तो ये माफीनामा का अर्जी क्या है? क्या आलोक मौर्या के ऊपर जो ज्योति मौर्या ने आरोप लगाई थी उसके लिए माफी मांग रही है? तो आपको हम धीरे धीरे समझाते हैं, आप लोग भी समझो। आपको बता दूं दोस्तों, ज्योति मौर्या जो कि पहले भी एब्सेंट हुई थी, तो पहले भी इसने माफीनामा का अर्जी लगाई थी, और इसने दलील पेश की थी कि ये जो कि छुट्टी में नहीं थी, इसको छुट्टी नहीं मिल पाया, तो इस वजह से ये अदालत में हाजिरी नहीं लगा पाई। वहीं आपको बता दूं, इस बार एक बार फिर से ज्योति मौर्या के वकील ने माफीनामा का अर्जी लगाया, और ये अर्जी आलोक मौर्या से माफी वाला नहीं है, बल्कि ये अर्जी अदालत से लगाया गया है। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि ज्योति मौर्या आलोक मौर्या के सामने झुक गई है, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आपको पते के लिए बता दूं, ज्योति मौर्या के बारे में खबर आ रही है कि ज्योति मौर्या किसी भी कीमत पर आलोक मौर्या के साथ अब नहीं रहेगी। वहीं आलोक मौर्या के बारे में खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों कि आलोक मौर्या जो कि अभी भी समझौता करने को तैयार हैं। तो एक तरफ आलोक मौर्या राजी हैं, दूसरी तरफ ज्योति मौर्या राजी नहीं है। तो आपको बता दूं कि ज्योति मौर्या अब किसी भी कीमत पर आलोक मौर्या के साथ नहीं रहना चाहती है, और सच्चाई यही है। बाकी आपको बता दूं, अदालत ने अगला तारीख 22 सितंबर को तय करी है, तो अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होना है। ये बताया जाता है इन लोगों को अदालत में पेश होना ही पड़ेगा, और दोनों को अपना अपना दलील पेश करना पड़ेगा, दोनों को अपना अपना राय रखना होगा, और उसके आधार पर अदालत फैसला सुनाएगी। बाकी दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बंदे के बारे में बताया था जिसका नाम संजीत था। आपको बता दूं, इस बंदे ने 20 साल की उम्र में ही पुलिस का वर्दी पहन लिया, वो भी फर्जी तरीके से। ये अपने पिता के जगह पर जाकर ड्यूटी करता, घुसखोरी करता, दलाली करता,
और ना केवल इतना बल्कि जो इलीगल तरीके से शराब बेचने का काम करता था उन लोगों से भी घूस लेकर ये उनका मदद करता था। और ये भी बताया जाता है दोस्तों, ये अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था, रील्स बनाकर डालता था, अपना फोटो शेयर करता था, पुलिस का वर्दी का रोब दिखाने का काम करता था। और आपको बता दूँ इसके बारे में दोस्तों पता चल गया है DGP साहब को, तो ये बताया जा रहा है दोस्तों कि इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो फिलहाल इस लड़के के बारे में ये बताया जा रहा है दोस्तों कि ये डर के मारे अब भागता फिर रहा है। इस लड़के ने पहले नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ ये पूरी तरह से गलत है, अब इसको पछतावा हो रहा है। तो कहा गया है ना कि अब का पछताई जब चिड़िया चुग गई खेत, तो कुछ इस तरह से ही बात है दोस्तों। इस बंदे को पहले एहसास नहीं हुआ, अब इसको फील हो रहा है कि हमने जो किया वो गलत किया है। तो बाकी दोस्तों ये अपने आप को बचाने के लिए भागता फिर रहा है। और आपको बता दूं ये घटना जो कि बिहार के समस्तीपुर जिले के ग्रामीण थाने का था, वैसे पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करी जा सकती है, लेकिन अब दोस्तों ये एकदम बिल्कुल डिसीजन आ चुका है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसने वर्दी का दुरुपयोग किया है। तो बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, मैंने आप लोगों को बता दिया ज्योति मौर्या के बारे में कि चारों तरफ जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि ज्योति मौर्या ने माफीनामा का अर्जी लगाई, तो बहुत सारे लोगों को डाउट ये था कि ज्योति मौर्या क्या सच में सुधर गई, क्या सचमुच आलोक मौर्या से माफ़ी मांगेगी। तो ये माफ़ी आलोक मौर्या के लिए नहीं था, आप लोगों ने समझ ही लिया होगा आशा करता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोगों का जो मांग है कि मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ज्योति मौर्या के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो देखो दोस्तों कार्रवाई तो पुलिस वाले ही करेंगे, अदालत ही करेगी, तो अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बाकी और भी खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना, गलत काम मत करना, गलत करने वालों को कभी बर्दाश्त मत करना, अच्छे से रहना। जय हिंद, राम राम सभी भाइयों को। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। जय श्री राम।